सो गाइज ये देखो, पहले पानी में डुबाएंगे इसको, उसके बाद इसको निकाला जाएगा, फिर इसके बाद इसका जो ऊपर का भुतला होता है, केस हेयर जो होता है, हेयर का पार्ट सब हटाया जाएगा पहले, ठीक है। इसको पहले अच्छे से हटाएंगे, दो लोग पड़े हैं, इनको मैंने लगा दिया है दोनों को काम पे, बोला चलो करो, इनका रोज़ का काम ही यही है भाई लोग। तो ऐसे देखो, हाथ से पहले निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हाथ से होने के बाद, इसके बाद छुरी जो होता है, चक्कू जो होता है, चक्कू का नाइफ का यूज करेंगे, और चक्कू का बढ़िया से मारेंगे ताकि सफा हो जाए, ठीक है, और कोने कोने में भी चला जाता है ना चाकू, इसीलिए यूज किया जाता है, जहाँ मन करे वहाँ पे मार सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे आसान होता है हम लोगों को, और जब सारा हो जाए उसके बाद पोंछ भी मार दिया जाता है, अच्छे से किया जाता है भाई, पूरी तरह से दिखाया जाता है ख्याल, ठीक है, ताकि लोगों के खाने में यार बाल ना पड़े ना, बाल आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना यार, इनको ही लगेगा कभी कभार। देखो अच्छे से किया जाएगा ये, अभी ये कुछ नहीं है भाई लोग, अभी ब्लेड भी मारा जाता है इस पर ताकि अच्छे से छोटा छोटा भी बाल आ जाए। अभी तो फिलहाल मैं कर रहे हैं अभी सफ़ा, तो देखते हैं। हाँ देखो भाई हो गया ये, अब गर्दन भी थोड़ा बाकी था तो उसको भी, अब हल्दी है भाई, चलो इसको लगाते हैं, इसको भाई रोटेट कर लेना फोन ताकि अच्छे से दिखे, फिर भी हल्दी लगा दिया। अभी इसको हल्दी को जो है ना उसको धोना बाकी है, अब इसको धोएंगे, पानी से धो दिया अच्छे से धोएंगे ताकि हल्दी भी भाई अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए अच्छे से धोना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं रंग रंग, फिर भाई रंग नहीं यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद इसका पेट फाड़ा जाएगा, पहले पेट से ही शुरुआत होती है, तो पहले पेट थोड़ा सा फाड़ लिया जाए। तो अब इसके बाद इसका ब्लड जो होता है वो निकाल लिया जाए ताकि खसी को अच्छे से पता चले। अब इसका दोनों पैर काट लिया जाएगा, ऊपर का और फिर नीचे का, और इसका हेड भी अलग कर दिया जाएगा, टाउ को, मुंडी को भी अलग कर देंगे इसका। पहले तो पैर काटा जा रहा है, तो भाई बुरा मत मानना यार, क्या करें काम ही यही है, तो ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता यार। अब इसका हेड अलग करते हैं, ठीक है, और चलो भाई अब इसका आखिरी काम जो है वो ख़त्म करते हैं। इसका पेट फाड़ लिया गया, ये जो चर्बी है, ये पेट का चर्बी है, ठीक है। तो पेट का चर्बी हटाने और चुस्ता को अच्छे से निकालने के लिए थोड़ा ज़रूरी है प्रैक्टिस की भाई, अच्छे से करना है तो थोड़ा ना थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए। देखो ये भाई कैसे कर रहे हैं, चुस्ता को अलग कर दिया, वो जो था ना वो चुस्ता था भाई। और भाई ये दीवार इतनी गंदी इसलिए है क्योंकि रोज़ बनता है खसी, ठीक है, तो हम लोग रोज़ सफ़ा तो करते हैं, फिर भी ये सुबह से करते करते शाम तक ये गंदा हो ही जाता है भाई, इसीलिए अब फिर शाम को सफ़ा करेंगे और फिर सुबह ऐसे ही हो जाएगा। तो थोड़ा माइंड मत करना यार, देखो पहले इस पर ये आंध्रा है, आंध्रा मतलब पतली पचौनी, पचौनी है भाई, पचौनी, ठीक है, आंध्रा बड़ी बोलते हैं इसको हम लोग नेपाली में। और भाई अच्छे से निकलने के बाद अभी समझ तो नहीं आ रहा है, अब भाई देखो इसका गर्दन जैसे जो फोर होता है ना, मतलब गंदा गंदगी, उसको निकाला और इसके पिछवाड़े में पानी डाल रहा है ताकि इसका जो चरबोदा और भीतरी जो चर्बी होता है ना वो सब अच्छे से क्लीन हो जाए, ठीक है। इसको क्लीन करने के लिए ही वो डाला जा रहा है, ये कोई पानी गोश्त या मटन में नहीं डाल रहा है भाई, ये जो देखो ये मोटा वाला जो आंध्रा है ना, मतलब पचौनी, चरबोदा बोलते हैं इसको, हाँ चरबोदा जो है उसको क्लीन करने के लिए, देखो कितना अच्छे से क्लीन हो रहा है, अभी वो पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। ये मुटोर है, ठीक है, पेशाब करने वाला जो थैली होता है ना वो, उसको निकाल दिया जाता है पहले ही। हाँ देखो भाई इसको इस तरह से किया और इसका पूरा जो अंदर है उसको साफ़ करना है, चक्कू मारेंगे भाई, अभी देखो चक्कू मारा अभी,
और उसके बाद वो भी जो बचा कुचा था वो भी क्लीन किया जाएगा अभी। हाँ तो इसको भी क्लीन कर लिया, तो अभी जो लास्ट बचा है ना पित्त बोलते हैं इसको, उसको निकालना बाकी है, वो निकाल देंगे भाई अभी, देखो निकाल देंगे हो ही गया भाई, सीना चीजेंगे इसको और ये बिकने के लिए रेडी है भाई। अब इसको दुकान पर ले जाकर बेचेंगे। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक भी कर दो भाई।